आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्लास नाइन्थ की मैथ्स की आरडी शर्मा की बुक से मैंने लिया है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये आपको आरडी शर्मा की बुक में क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज रंबस विद ए बी एंगल ए बी सी इक्वल टू 56 डिग्री डिटरमाइन एंगल ए सी डी। यहाँ पर ये बता रहा है कि ए बी सी डी क्या है, रंबस है जिसमें कि एंगल ए बी सी जो है 56 दिया हुआ है। तो देखिए ए बी सी यानी कि ये एंगल जो है पूरा ये कितना दिया हुआ 56 डिग्री ये दिया हुआ है। डिटरमाइन एंगल ए सी डी, हमें यहाँ पर ए सी डी हमें ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, पहले हम ये लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए रोम्बस है। ठीक है, और क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी जो है ये 56 डिग्री दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड ए सी डी हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की ये रोम्बस ऑलरेडी है क्वेश्चन में ही बता दिया। तो रोम्बस का क्या है, चारों साइड इक्वल होता है। तो चारों साइड इक्वल का मतलब क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब ये चारों साइड इक्वल है। क्या है, ए बी ये साइड, फिर बी सी, फिर ये सी डी इक्वल टू ये ए डी, तो ये चारों साइड इक्वल है। ये तो प्रॉपर्टी है रोम्बस की, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का ही तो टाइप है। तो रोम्बस भी, रोम्बस क्या है भाई, पैरेललोग्राम की एक टाइप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम की ही तो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का एक टाइप है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज आल्सो ए, ये एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, क्योंकि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या आता है, ये एक पैरेललोग्राम ही हुआ। तो पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, देखिए मैं यहाँ बना दूँ। जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसके अपोजिट ये है। तो एंगल बी, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल जैसे जैसे ये ज्वाइन कीजिए ए सी और ये बी डी, तो ये सॉरी टेढ़ा बन गया थोड़ा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल हमारा क्या है, ए सी, देखिए ये दोनों डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल से, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, थ्योरम है ये, थ्योरम। ठीक है ना, तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ सी बी ओ इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ए सी डायगोनल है ना, ये ए सी डायगनल जो है इस बी डी डायगनल को बिल्कुल बीच से काट कर ले जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन को हाफ ऑफ कर देगा। तो ये जो ए सी डायगनल है, ये बी डी लाइन को इस तरह से क्रॉस करेगा कि बी डी के बिल्कुल हाफ हाफ कर देगा, नहीं कि बी ओ इक्वल टू ओ डी कर देगा। उसी तरह से ये बी डी डायगनल इस ए सी को इस तरह से कट करेगा कि जो हमारा बी ओ होगा वो ओ डी के बराबर हो जाएगा, सॉरी ए ओ जो है ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये थ्योरम है। अगर जहां पर भी बोले जैसे कि, जैसे पहले हमारा क्या था क्वेश्चन में कि ये रोम्बस है, तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी लिख दी कि चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हम ये जानते हैं कि रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है। तो अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का थ्योरम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का यहाँ पर देखिए हमने क्या थ्योरम यूज किया कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल होगा। ये तो मैं डायग्राम से समझा रही हूँ। ठीक है, यही प्रॉपर्टी इस वाले डायग्राम में हम यूज करेंगे। और दूसरा क्या है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर होता है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये आपको समझ में आ गया। तो अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ तक लिख देंगे आप, उसके बाद ये लिखेंगे ए रंबस इज आल्सो पैरेललोग्राम
तो यानी क्या, यानी फिर ये लिख देंगे एबीसीडी चार्ट से पैरेललोग्राम। तो अब देखिए ये हमारा ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा कि नहीं, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। जैसे ये पूरा एंगल 56 दिया है, तो ये अगर 56 है तो ये भी तो पूरा एंगल 56 होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 56 होगा। और एंगल बी को अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल बी का अगर हम नाम देना चाहें तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी ने लिख करके हम एंगल ए बी सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इस वाले एंगल का नाम हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल भी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इस एंगल डी का अगर हम नाम लिखना चाहें तो एंगल ए डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल ए डी सी। देखिए ये एंगल बी और एंगल डी यहाँ बीच में आ रहा है ना, तो एंगल बी को मैंने एंगल ए बी सी लिख दिया है और एंगल डी को मैंने ए डी सी लिख दिया, ए डी सी में ये पूरा एंगल आ रहा है। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल कितने के बराबर हो जाएंगे, 56 के बराबर हो जाएंगे। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, कि ये पैरेललोग्राम ही है, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम ही है, तो डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं बी ओ इक्वल टू ओ डी। लिखिए यहाँ पर बी ओ इक्वल टू ओ डी और ए ओ इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं ना, ए ओ इक्वल टू ओ सी। इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसका यूज होगा अभी। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि ये चारों आपस में इक्वल है साइड, ठीक है, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकेंड मानिए। ये हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें ये एंगल चाहिए ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल, तो देखिए हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे ओ सी डी, ये ट्रायंगल ओ सी डी, जिसमें ये एंगल तो 90 है, क्वेश्चन के डायग्राम में ही बता दी, ये डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, जिसमें ये बता दिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बनना है मैं ये भी आपको बता दूँ, एक थ्योरम और यहाँ पे यूज होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल भी बना रहे हैं, यानी कि एंगल डी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी सब 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी थ्योरम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करेंगे ही, एट राइट एंगल, राइट एंगल के साथ बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये आपने प्रूफ भी किया होगा, क्वेश्चन इस टाइप का होगा, बी ओ सी फिर एंगल ए ओ बी और कौन सा बच रहा है, एंगल ए ओ डी, ये सब 90 डिग्री के रहेंगे, ये सब देखिए ये एंगल 90, इस एंगल का नाम दिया डी ओ सी, मैंने यहाँ लिख दिया डी ओ सी, फिर उसी तरह से ये एंगल भी 90 होगा, तो इस एंगल का नाम मैंने दिया बी ओ सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी ओ सी, फिर इस तरह से ये एंगल भी 90 होगा, यानी कि एंगल ए ओ बी, तो ये भी एंगल 90, उसी तरह से फिर क्या है ए ओ डी, ये एंगल भी 90 है, तो ए ओ डी नाम दिया, सब एंगल 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया 90, यानी कि ये 90 हुआ था। हमें ये एंगल निकालना है ना, एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी बोलिए चाहे एंगल ओ सी डी बोलिए, ओ भी इसी लाइन पर है, ए सी ही लाइन पर है, तो हमें यहाँ निकालना क्या है, एंगल ए सी डी निकालना है। आप ए सी डी बोलिए, देखिए ए सी डी में भी एंगल सी आ रहा है, चाहे आप ओ सी डी बोलिए, ओ और ओ जो है इसी ए सी ही लाइन पर तो है ना, तो आप चाहे ए सी डी बोलिए चाहे ओ सी डी बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, तो मतलब कि हमें यही फाइंड करना है। आप ओ सी डी निकाल दीजिए, वही ए सी डी होगा। तो देखिए हम ओ सी डी, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, तो हम ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, यहाँ पर देखिए तीनों यहाँ कौन सा ट्रायंगल है, मैं यहाँ नाम इसको मैं डायग्राम ही यहाँ पे बना दूँ, ये देखिए इस तरीके से बना है ना, देखिए हमें बना दूँ, ये देखिए इस तरीके से बना है, ये ओ है और ये सी है और ये डी है, हमें यही एंगल चाहिए, और ये एंगल क्या है 90 दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल हमें पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, तो हमने ये ट्रायंगल लेंगे और ये हम एंगल फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको ये एंगल भी चाहिए, तो 90 दिया, ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल तो हमारा, ये देखिए ये 56 है, ये भी पूरा एंगल 56, अभी मैंने प्रॉपर्टी से मैंने ये इक्वल कर दिया 56, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल
ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओडीए, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करना है। जैसे हम यहाँ पर कौन सा दो ट्रायंगल लेकर चले, ये और ये, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ओडीसी। तो मैं यहाँ पर ओडीसी, देखिए इन ट्रायंगल्स नाम लिखिए, इन ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल, देखिए ओडीसी ओडीसी और दूसरा क्या ट्रायंगल ओडीए, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर चल रही हूँ। तो ओडीसी और दूसरा क्या है ओडीए ओडीए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में केवल इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में ओडी ओडी कॉमन है, इसमें भी ओडी आएगा, इसमें भी, दोनों ट्रायंगल में ये ओडी कॉमन आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन है। अच्छा और क्या दिख रहा है, ये सी डी और ए डी, ये इन दोनों ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल होगा कि नहीं, ये और ये इक्वल होगा कि नहीं। देखिए पहला क्या था, ओडी ओडी कॉमन था, तो यहाँ पर मैंने एक बार लगा दिया है ताकि ये ओडी समझ में आए कि ओडी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो ओडी ओडी कॉमन। फिर उसके बाद ये सी डी और ए बी आपस में इक्वल होगा कि नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सी डी, देखिए ये सी डी और ये ए डी और ये ए डी, ये आपस में इक्वल है ना, चारों साइड बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, ये देखिए इससे हम निकालें फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, यह क्या। अच्छा और क्या, ए ओ इन दोनों ट्रायंगल का ओ ए और ओ सी इक्वल है कि नहीं, ये देखिए मैं तीन बार लगा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है कैसे, यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी से, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी आ रहा है ना, ए ओ बोली चाहे ओ ए बोली, ओ ए इक्वल टू ओ सी ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ ए इक्वल टू ए सी, ओ ए यहाँ क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ सी, किससे, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर तीनों का, दोनों ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हुआ, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम, सॉरी बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं, कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, दो ट्रायंगल ये माने थे ना, ओ डी सी कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रेंट हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस सेकंड ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए कि नहीं, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एंगल ओ डी सी, ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ए, ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बाय सी पी सी टी। भाई दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो कि नहीं, ये एंगल मतलब कि ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हमने प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि ये एंगल 56 है, तो ये भी पूरा एंगल 56 था, कौन सा पूरा एंगल, एंगल ए डी सी, ये पूरा क्या था 56 था, ये अपोजिट एंगल इक्वल थे ना पैरेललोग्राम के, तो ये 56 आ गया था, मैंने बता दिया सब कैसे। अब इस एंगल ए डी सी को हम, इस ए डी सी ये पूरे एंगल को हम ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों एंगल के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि हम ए डी सी को लिख सकते हैं एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी ओ डी सी लिख सकते हैं कि नहीं। भाई ये पूरा एंगल ए डी सी जो है, ये पूरा एंगल, ये एंगल प्लस ये दोनों एंगल कसम के बराबर होगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी सी हो गया। अब ए डी सी कितना दिया है, 56 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये ओ डी ए है ना हमारा, क्या है ये ओ डी ए है और ये ओ डी सी है, तो यहाँ पर ये जो ओ डी ए है, ओ डी ए, ये इसको जगह हम ओ डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, इस ओ डी ए की जगह ओ डी सी, तो हम इस ओ डी ए की जगह क्या लिखेंगे, ओ डी सी, इसके जगह हमने ओ डी सी लिख दिया, और ये तो पहले से ही ओ डी सी है, तो 56 डिग्री इक्वल टू, ये देखिए ओ डी सी दो बार आया, तो टू एंगल ओ डी सी हुआ, हमें केवल एंगल ओ डी सी चाहिए, ये टू इसके साथ इन टू में है, तो ओ डी सी कैसे निकलेगा, ये टू इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से एंगल ओ डी सी निकलेगा, तो देखिए टू टू जै फोर, टू एट जै 16, तो कितना आया एंगल ओ डी सी, 28 डिग्री आया। तो देखिए ये एंगल आ गया ओ डी सी, ये एंगल आ गया कितना 28, ये आ गया। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो इस वाले ये एंगल ट्रायंगल ओ डी सी मैंने यहाँ बनाया है, देखिए ये नहीं बनाया था ना, तो ये एंगल आ गया ना ओ डी सी, देखिए आया ना ओ डी सी, ये ओ डी सी कितना आया, 28 आया,
ये आ गया अब, तो ये 28 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम रहेगा? सम ऑफ द थ्री एंगल इन ट्रायंगल इज 180 होता है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ सी डी सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज कितना होता है? 180 होता है ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, एंगल कैसे नाम देंगे, एंगल ओ, ये एंगल ओ है प्लस, और ये क्या है, ओ डी सी है, ये कितना आया है ओ डी सी एंगल, ये एंगल का नाम, ये एंगल 90, ये इसका एंगल का नाम ओ, इस एंगल का नाम क्या है ओ डी सी, प्लस इस एंगल का नाम हम देंगे तो कैसे देंगे, इस एंगल का नाम ओ सी डी देंगे ना, ये तीनों एंगल का नाम यहाँ मैंने दिया किसके बराबर होगा 180, ये एंगल ओ तो 90 है, ये 90 दिया तो यहाँ 90 लिखिए, ओ डी सी, ओ डी सी अभी हमने निकाला कितना 28 यहाँ लिखिए, और ओ सी डी यही हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हो गया, अब इन दोनों को जोड़िए तो 28 कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 इतना आया, प्लस ये दोनों जोड़ेंगे इतना आएगा, ये क्या है ओ सी डी है, इसकल टू 180, तो ओ सी डी कैसे निकालेंगे हम, ये 118 इधर जाएगा, 180 के साइड तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 में से आप 118 माइनस कीजिए 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 गया 6 बचा, तो 62 डिग्री आया है एंगल ओ सी डी, हमें यहाँ क्या फाइंड करना था, एंगल ए सी डी ना, तो देखिए ये एंगल आ गया ओ सी डी, ओ सी डी अभी हमने निकाला कितना 62, तो चाहे आप ओ सी डी बोलिए चाहे आप ए सी डी बोलिए दोनों का मतलब एक ही है, तो ओ सी डी कितना है 62, यानी कि ये ए सी डी कितना आया हमारा 60, देखिए ये ओ सी डी बोलिए ओ सी डी चाहे ए सी डी बोलिए दोनों में ये एंगल आ रहा है ना, तो हमने निकाल दिया कितना है 62 डिग्री, तो इसका आंसर क्या यही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी और थ्योरम यूज हुआ है रॉम्बस का और पैरेललोग्राम का।